नमस्ते, मैं सुमलता दीक्षित आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, मैंने सोचा मीठी सेवइयों की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। 4 कप सेवइयाँ ली हैं, रोस्टेड है ये। 5-6 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, 2 टेबलस्पून किशमिश, 20-25 दाने जो है वो इसके कैशूनट और 5-6 इलायची क्रश की हुई है, 2 कप चीनी, 5 टेबलस्पून प्योर घी। चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। अब मैं गैस जलाने लगी हूँ। इसमें 5 चम्मच प्योर घी, इसको गर्म होने देंगे। अब इसमें सेवइयाँ, ये जो मैंने सेवइयाँ डाली हैं इसमें, ये रोस्टेड हैं। अगर आप अनरोस्टेड लेते हो तो उनको थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लें, मैं इसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी। सेवइयों को चलाते रहें, नहीं तो नीचे लगने का डर रहेगा। अब इसमें हम, ये मैंने 4 कप पानी लिया है, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे डालूंगी। ये बिना दूध की हैं, इसमें मैंने पानी यूज़ किया है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी, 4-5 मिनट के लिए। बीच में एक बार इसको हिलाना है, 1-2 बार हिलाना है, थोड़ा गैस धीरे करनी पड़ेगी। मैं इसको ढक रही हूँ 5 मिनट के लिए, मैं इसको ढक्कन लगा के पकाऊंगी, पर बीच में मैं इसको देखती रहूँगी, हिलाती रहूँगी, कहीं नीचे ना लग जाए। अब मैं इसका ढक्कन खोलने वाली हूँ और इसको चेक करूँगी। इसको मैंने 5 मिनट तो मीडियम गैस पे रखा था, और फिर उसके बाद मैंने इसको सिम पे कर दिया पानी सूखने तक और गलने तक। अब ये हो गई हैं। अब हम इसमें कोकोनट पाउडर, क्रश इलायची, काजू मैंने ऐसे ही डाले हैं। अगर आप सेवइयाँ डालने से पहले इनको रोस्ट करना चाहते हैं तो रोस्ट भी कर सकते हैं इनको। किशमिश थोड़ा सा मैंने ये बचा के रखा है, कोकोनट पाउडर, इसको मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। दो 3 मिनट इसको हम चलाएंगे, नीचे ना लगे। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे, जल्दी बनाने का मन करे, तो आप ये मीठी सेवइयाँ बना सकते हैं। ना तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है और ना ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। बस हमारी सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं, अब मैं इसको सर्विंग बाउल में डालने वाली हूँ। सेवइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं, रक्षाबंधन पर आप इनको ज़रूर ट्राई करना। आपको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, और मेरे वीडियो को
लाइक और शेयर करना। थैंक यू।